3, 2, 1. What's up, everyone? This is Udit Roda. Hope you're having a great day. And with me, Danjot Singh. Danjot Singh, yes. तुम्हें पता ही है, हम लोग दो साल बाद, very random. I wanted to make it grand, but I thought. Okay. So, दो साल बाद वापस आ गया, no mention of it. इससे कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम छुट्टी मना रहे थे. Actually, it was. उन छुट्टियों का नाम है graduation. Yeah. College kicked our ass, and we were like. तो हमने दो साल मजे लिए. दो साल. Now we are back and we want to up our game into podcast. It's something I wanted to do for a really long time. So मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा bet करेंगे अपन. And मेरा चैनल कुछ है इसके बिना नहीं है. You guys don't know? Okay, जाके पिछली वीडियो भी देख लेना. But let's start. Content creation की शुरुआत हमारी यहाँ से हुई थी कि हमने We started off with the channel first. हमने पहले चैनल देखा था उदित का. And I used to work with him. सारा टाइम कुछ ना कुछ कंटेंट हम क्रिएट करते रहते थे. And that's when I got motivated for my own self too. सीधी बात. तो I used to do this Instagramming thing. That I used to Instagram a lot of stuff regarding fashion, regarding just modeling in general. So I'm still working on it. Still working on it. And we'll get back there too. तो मैं तो भाई लोग उदित अरोड़ा, होप इज अ ग्रेट डे. तुम्हें सब पता ही है, सुना ही हुआ है. तो जब चैनल स्टार्ट किया था, आई वाज मोर लाइक आई वाज इन स्कूल, सिर्फ खत्म हुआ था अभी. सो आई वाज लाइक आई हैव टू डू समथिंग. आई हैव बीन वाचिंग यूट्यूब फॉर सो लॉन्ग. तो मेरे को था भाई करते हैं कुछ, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करेंगे. तो हमने कुछ भी किया फिर, और फिर वो वीडियो ऐसे कुछ भी बन गई. और फिर मजा आया, थोड़ा टाइम मजा आया. फिर मैंने बनाया फरार, which was is my dream series. I will continue it ahead this channel. If you are coming in and this is your first video, because this is the first video I am making. First of all, good people you are for starting with us on our first video. Amazing people, amazing. ठीक है. और if 10 साल बीत चुके और हम बहुत famous और तुम अभी आके मेरी पुरानी video देख रहे हो, guys, क्यों पहले क्यों नहीं आए? ठीक है. But stay, stay. Do not unfollow. Okay. So सबके बाद basically. जब हम वो करते थे, दैट वॉज द थिंग आई वॉज कंज्यूमिंग एट दैट टाइम. राइट नाउ अ लॉट ऑफ टाइम इज पास्ट, वी हैव बोथ ग्रोन. तो नाउ आई वॉच मोर पॉडकास्ट एंड आई वॉच मोर सटल थिंग्स लाइक रिलैक्सिंग थिंग्स. तो इसलिए मैं वही क्रिएट करना चाहता हूँ आगे भी. सो डेफिनेटली नॉट प्रैंक्स, डेफिनेटली नॉट प्रैंक्स एंड नॉट गेटिंग हिट बाय बॉल्स, ऑन बॉल्स, बाय बॉल्स. ओके सो फिलहाल फोकस ये है कि कोविड की वजह से यू नो हमारी यूनिवर्सिटीज ने बोल दिया, हाथ जोड़ दिए क्वाइट लिटरली कि हम तो भी नहीं पढ़ा सकते तुम्हें. तो उन्होंने कहा कि देखो जो लास्ट पेपर है ना तुम्हारे, जैसे तैसे दे के खत्म कर दो इन्हें, दफाओ लाइक क्वाइट लिटरली. सो बैच ऑफ 2020 हैज बीन सो इररेगुलर. फर्स्टली लाइक माय ग्रेजुएशन वाज सपोज्ड टू गेट ओवर बाय 6 months अगो. लाइक 6 महीने वेट कराया इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्स के लिए. सो वो हुआ एंड देन आई एम जस्ट यू नो नाउ आई एम फोकसिंग बैक ऑन माय स्टफ. आई वाज अ लिटिल डायरेक्शनलेस फॉर अ व्हाइल, बट देन यू नो You can't stay in that place for a long time. तो वापस से direction आ रहा है. पहले तो बातचीत पे ही आ रहा है. क्योंकि बातचीत बहुत जरूरी है कुछ भी करने से पहले. Exactly. Before you take your first step, talk about it. Think it through. And definitely. So, बस यहीं से शुरुआत है. और you never know, I might just come back to Instagram again. और किन-किन type के content के साथ आता हूँ. So you never know. हाँ, I think direction is वाली बात है. ओके सो डायरेक्शनलेस वाली बात पे आई वाज थिंकिंग कि भाई बहुत लोग एंड व्हाई बहुत आई मीन 90% ऑफ पीपल इन कंटेंट क्रिएशन डाई इन दैट जोन बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू कम आउट ऑफ. यू नीड अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी. हाँ, यू नीड अ लॉट ऑफ लाइक किकिंग योर ओन एज, लाइक कि भाई करना है अब, दिस इज द टाइम टू डू इट और Think about other things. और वो हमने किया भी है पहले. ऐसी बात नहीं है कि हमने वैसे kick in the ass, you know, consistency नहीं दिखाई. हमने college जाने से पहले, let's say अगर दिन में college शुरू हो रहा है, तो उससे पहले भी हमने कई बारी, मैंने अपने shoot के लिए जाता था. There have been so many times when I've connected with people जो
you know, creators which were not even in Delhi, out of Delhi, sometimes out of India as well. So people used to connect with me. Uh-huh. I'm really thankful for that, by the way. Touch wood, you know. Just... That's niche. Sorry. Niche. Bro. Sorry. Yeah. So, basically. दो मिनट के लिए मैं कंटेम्पलेट कर रहा हूँ टच वुड कौन सी वुड सो एनीवेज दैट्स द थिंग ना क्योंकि मेरा भी यही था कि आई तो वाज नेवर बिल्ट फॉर जॉब्स नेवर बिल्ट फॉर इट मतलब बनाया नहीं था भगवान ने बचपन से पता था मुझे सो वी वर डूइंग द यूट्यूब थिंग इट वाज गोइंग गुड एक्चुअली बट देन वी वर ऑल लाइक वी वर वेरी इनकंसिस्टेंट एट द एंड ऑफ इट एट द एंड आई वाज लाइक क्योंकि जब गोइंग बैक टू फरार व्हेन आई शॉट दैट वीडियो एंड शॉट शूटिंग इट वाज इजी एडिटिंग पार्ट वाज सो हार्ड आई वाज लाइक भाई हो गया मेरा मैंने ये जो एडिट कर दिया ना मेरी जिंदगी धन हो गई है मतलब अब नहीं चाहिए कुछ मुझे तो बेसिकली दैट हैपेंड और फिर मैं तो था कि यार जस्ट FYI हाँ फरार पे ये और रिची गए थे दोनों फरार सीजन 1 के लिए ऋषिकेश एंड आई नॉट गोना लाई उस टाइम रिग्रेट नहीं किया था अब कर रहा हूं निकल चुका हूँ ऑलरेडी कि जब वो पार्ट आता है ना दैट्स द पॉइंट व्हेन यू हैव टू फाइट द हार्डेस्ट कि ब्रो करना ही है इफ यू लीव आई एम टेलिंग यू अ ईयर ऑफ योर लाइफ विल बी गॉन लाइक नो टाइम इन नो फ्रिकिंग टाइम ईयर गॉन एंड यू विल बी लाइक And you'll be like, there's no progress. And one thing about me is that I love progress. About myself. About someone else too. I mean, cheers, by the way. Progress. So, yeah. So, वही है कि I tell everybody कि bro, लगता है कभी-कभी कि bro, views नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा. भाई पर वो तो पहले भी नहीं आ रहे थे. At least, just put it out और आ जाएंगे. Like, this बातचीत. Who wants to listen to two recently graduated kids? Nobody wants to listen to us. But if you are listening to us and you're enjoying this, see, we got our audience. We would have never gotten this audience agar hum nahi dalte to. True. So that's the thing now. It's all about the initiation, right? Haan. I think, mera ek quote padha tha, maine kahi, ye mera nahi hai. Maine padha tha kisi aur ka hai, but bahut pyara hai, bahut motivating. Ki tumme agar, like, tum wo sare views kho dete ho on the video, jo tumhari gallery mein padi hai. Like, yes. If you post it, you will get 5 views. But if you don't, you get 0. That is guaranteed. Yeah. So aim for those 5 and wish for the 6th. Yeah. Hai na? That's it. And that's the motivation we are getting started with. We have no high hopes. We are going to lose for sure. Lekin, we'll lose together with you 3 viewers of ours. Hmm. And I think that's beautiful. Marvel reference, like the old man said. Yeah, like that. Together. Together. Ooh. And like Thor said, you had to ask. Okay, so so first yes, thing I have actually written everything ki main kya baat karni hai because I was very excited. So first, okay, first isko nahi dikha raha main kyunki iska mujhe reaction chahiye bhai ka, theek hai? First to bahut hi common. If you guys are not familiar with it, tumhari galti nahi hai. India mein I think itna nahi hai iska. बट बिकॉज वी डोंट केयर अबाउट कंट्री वी केयर अबाउट यूट्यूब यूट्यूब पे हमने देखा है तो तुमने भी देखा होगा किसी ने तो देखा होगा यू गाइज आर इंटरेस्टेड एंड आई सी कोई इस बारे में बात नहीं करता इंडियन यूट्यूब सीन में राइट सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल यूट्यूब सीन ऐसा बोलेंगे क्या कैसे बोलेंगे मतलब लोगन पॉल नाम सुना होगा सबने सुना है फ्लॉयड मेवेदर नाम सुना होगा सुना ही होगा उसका तो सुना ही होगा ठीक है सुना प्लीज अगर नहीं सुना I think you're not interested in boxing. तो ऐसा करो check और थोड़ी देर वीडियो देखो हमारी शायद हम बताते हैं ठीक है सो बेसिकली दे आर हैविंग अ फाइट लोगन पॉल इज अ यूट्यूबर ओह माय गॉड अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हाँ अ बिजनेस ब्लॉगर म्यूजिक प्रोड्यूसर आई गेस ही क्रिएट्स लाइक ओके ही क्रिएट्स अनु मलिक ही इज अनु मलिक ऑफ इन माय आईज He's Anu Malik of Hollywood, but okay, his music is slightly better than Anu Malik. Yeah, but slightly. Not outdated. Because it's not catchy hook. Nahi hota. So, yeah, they're having a fight and we just read it somewhere. Like we saw a title of the video and we were like, oh, we will talk about this on podcast. Yeah. Kyunki, like right away.
एज यूट्यूबर्स आर सेल्फ, हम लोग कब से 11-12 से वी वर लाइक यूट्यूब करना है. तो फर्स्ट ठीक है, तो दीज आर द पीपल वी वॉच्ड, लोगन पॉल, मार्क डोनर, ऑल दीज किड्स. दे आर नॉट किड्स, ओके, वी आर द किड्स, आई एम जस्ट एक्टिंग कूल. ठीक है, प्लीज मेरी कूलनेस को मत दबाओ. ठीक है भाई, तो हम लोग को भी बनना था यार यूट्यूबर, हम अभी भी कोशिश ही कर रहे हैं. वो लोग बन के छोड़ने का सोच सोचते हैं, वो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं यूट्यूब से, हम अभी शुरू ही हो रहे हैं. दे आर लाइक पॉडकास्ट इज द न्यू थिंग एंड वी आर लाइक मे बी वी कैन डू इट. ओके, लोगन पॉल वी कमिंग फॉर यू, नेक्स्ट बॉक्सिंग मैच, ओके. सो आई कैन रन, दैट आई कैन डू रियली वेल इन अ बॉक्सिंग रिंग. हां, इन अ बॉक्सिंग स्क्वायर ऐसे, और क्योंकि यार इंडियंस वी आर ट्रेंड बचपन से ही गोल गोल घूमने के लिए. देन वी डू इट, देन वी गेट मैरिड, देन वी डाई. So, okay. okay. That was okay. actually बहुत ऐरा देखा, कभी कभी ऐसी होती है, वो अंदर से आ जाती है. Okay. हाँ, about Logan. What do you think about it? See, okay, two iterations. दो चीजें सोच के चल रहा हूँ मैं. Firstly, Floyd Mayweather gets into the boxing ring. ठीक है, boxing ring में आया अपना, बस just knocks him out. knocks the fuck him out. Within 13 seconds, वो मेरे ख्याल से corner का record है. 12 seconds का है. हाँ, उसका UFC में है. हाँ, UFC में है. But it was beautiful. Yeah, beautiful actually. I remember the whole 12 seconds in my mind. And it looked like he just snap of a finger and it's done. And I think Logan Paul is about to have that. But the point is, Logan has already. This is not the first time Logan is fighting. So थोड़ा बहुत experience है लॉन्डे को. But which gets me to the second situation. Which I think is going to make him like a little bit famous. And in that sense, he will be at least resisting. Ki haan. Because I know Floyd Mayweather. Either he goes all in or he goes all just calm down. In the sense that he will make Logan Paul lose his temper, lose his composure. And after that, you know, when he knows it's the best time to strike, he will. That's what my verdict could be. Logan Paul, I think the thing with Logan Paul is he's super smart in every way, in fight, in content creation, every. You watch his vlog, you will see how smart he is. Even in his cringy vlogs, he's smart. He knows how to get the clicks, what he has to do, and that he does on daily basis, not kar liya Sunday ke Sunday, nahi. So in a fight, I don't think he will get aggressive because he knows ki chehre pe paisa hai aur ye nahi bigad sakta. So I think. Or maybe he will go ki meko lage. So he can show that battle scar thing and be like, oh, boxing match with Floyd Mayweather. Yeah, he can do and that. Then next three videos are getting surgery after my Floyd Mayweather fight. But no. So main thing, I think it's a business deal. Yeah. He gets the recognition of fighting Floyd and Floyd gets the money. True. Like, who loses? Nobody loses in this except viewers who will pay. And be like, क्या होगा? I know क्या होगा. नहीं हारेगा लोगन, like लोगन पॉल हारेगा, but knockout नहीं होगा. End तक खेलेगा and that will happen. और अगर ये होता है, please subscribe, okay? अगर तुम बिना subscribe के जाने वाले हो, तो आके वापस subscribe. All Floyd Mayweather actually cares about his money, मेरे हिसाब से. He doesn't actually care. Everybody about, cares about because, their money. Yeah, actually, but he doesn't really care about losing because he knows he's not going to. I don't think. तूने कोई पुरानी मैच देखा है लोगन का? हाँ, एक देखा था. KSI वाला? KSI वाला, the one I think that in the KSI, the one that KSI won actually. अच्छा. जो KSI जीत गया था due to the point system. वो मैंने देखा था. मैं. And it was such a blunder that you know he was actually excited. हाँ. He raised his hand just this time announcement हो रही है and the winner is. Because it was KSI. Surprise, yeah. Surprise. So yeah, I saw that and I think, by the way, okay, one very interesting fact that I got to know from the internet.
was ki if you actually purchase the platform that is selling the tickets or whatever, the online platform jis pe fight hogi, agar usko abhi purchase karte ho, so it will be about $25. But the later, because February mein fight hai, the later you purchase, the price is going to go up. For the same damn thing. Basically hype system, kyunki hype us samay sabse zyada hogi, to price us samay sabse zyada hoga. And so if you are interested, go for it. I mean, you can just watch our podcast and I just predicted it. Yeah. I'm pretty sure वही होगा. ठीक है, it's like I know YouTube. ठीक है, YouTube मुझे पता है. मुझे YouTube पता है. इतना मैंने पढ़ाई नहीं करी. ठीक है, MBA लगती है 2 साल. मैं 6 साल से YouTube पे स्टडी कर रहा हूँ. समझ रहे हो कितना मैं मैथ्स नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने 3 हो गया ना, 3 बार MBA कर ली मैंने YouTube की. मैथ्स नहीं पढ़ी लेकिन. So so in one line prediction. And we are done with it. And I will predict it. I just loses end mein, but sare round khel jayega. Aur fir he gets the recognition ki sare round khel gaya bro, Floyd ke against. Floyd wins, gets the money, gets the win. And he's gonna win. Both win and they're like, okay, chalo, cool. They go on their separate ways. Maybe kabhi story dal denge dusre ki. But it's cool. यही होगा यार. ट्विटर वॉर, डेफिनेटली ट्विटर वॉर इज अबाउट टू हैपन, बट दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉक्सिंग बिजनेस. यू हैव टू इंस्टिगेट लाइक, अरे तू लुल्लू है ना, तेरे बस की नहीं है, तू क्या करेगा, अबे हट, चल बुड्ढा हो गया तू बेटा. या फ्लॉयड भी लाइक पैदा भी नहीं हुआ ऐसा करके, मतलब दोनों. फ्लॉयड भी लाइक मैं 2 साल से कर रहा है, जब मैं 2 साल करा तब से कर रहा है, तुझे करे हुए 2 साल. अरे यार वो कौन है यार, अपना अपना भाई अभिषेक अभिमन्यु हो गया था ना. अरे तू that thing is gonna happen for a few months before the fight. Yeah. And I think it is about to get started. Huh. It is about to get started because February में है. They really want the hype for the next the days that are left. हमने ना किया नहीं कभी podcast. तो मेरे लिए हो रहा है awkward. But I will stretch this out to an hour. I will. मेरे कसम है. ठीक है. एक घंटे का तो मैं बताऊँगा कि content कम है. But okay. And if you stick around for that long. Thank you so much, firstly. Thank you, man. Thank you. Being very generous. So, next topic. ये मेरा favorite क्योंकि last वाला ना हम दोनों का favorite topic है. And मैंने लिख रखा है. मुझे तेरी writing समझ नहीं आ रही, वरना मैं यहाँ से पढ़ मुझे आ रही है. That's cheat code. कोई paper में मैं cheating नहीं कर सकता. ऐसा नहीं था कोई try भी कर रहा था मैं cheating करने की, but कर भी नहीं सकता था. Just in case. Teacher भी नहीं. कोई नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना, teacher सर पे आके खड़ी हो जाती है, देख रही होती है नीचे. She can't understand shit I'm writing. वहां तक तो सही था, टीचर तक चेक करने वाली को आ जाता है ना, अगर दुनिया बदल देता मैं आज. बट नेक्स्ट टॉपिक इज, तूने सुना है मेरे तेरे सामने बहुत बार बोला है, I'm very excited for this topic. Cyberpunk released हो गई है, ठीक है, आज 10 तारीख है. I actually got to know about it last night. ठीक है, हाँ. I was like, मैंने लेकिन डाउनलोड नहीं करी है, which is odd क्योंकि मैंने Xbox खरीदा इस साल पुराने वाला. पता है क्यों खरीदा था मैंने, क्योंकि मुझे इस साल साइबरपंक खरीदनी थी, खेलनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नेक्स्ट जेन कंसोल इस साल नहीं खरीद सकता. तो द होल थॉट प्रोसेस वॉज इस जनरेशन में आएगी तो मैं यही वाला एक्सबॉक्स ले लेता हूँ. साइबरपंक 2 साल खेल लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जनरेशन ले लेंगे जब तक नई गेम्स आ जाएंगी, है ना भाई. फेयर पॉइंट तो आनी थी नवंबर में, इट गॉट डिलेड दिसंबर में क्योंकि बग्स बहुत थे, तो दे सेड वी विल फिक्स इट, दे हैव बीन डिलेइंग इट फॉर फॉरएवर. हां, बट अब हो गई रिलीज, बाहर आ गई है मार्केट में, लोग रिव्यू कर रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, मजे में है. गेम में बग्स है, इट्स अ ब्रोकन गेम. आई कैन बाय इट, बट मेरे में चलेगी नहीं. वह चलेगी, बट 2012 में अनाउंस हुआ था कि साइबरपंक बन रही है. 2020 चल रहा है, 8 साल हो गए हैं. गेम बन के रेडी होगी थी पिछले साल, इस साल मार्च में आनी थी, फिर नवंबर में आनी थी, फिर दिसंबर में आनी थी, अब आ गई है तो भी ब्रोकन. लोग कह रहे हैं भाई हमारा 4000 का वो नुकसान हो गया, गेम खरीद ली हमने. एक्चुअली मैंने एक्सबॉक्स खरीदा गाइस फॉर दिस गेम एंड आई हैवंट इवन बॉट द गेम. आई एक्चुअली नो द फैक्ट कि जिस दिन इसने एक्सबॉक्स लिया था ना,
सबसे पहली एक्साइटमेंट इसकी साइबरपंक थी. He doesn't care about anything else. He plays games though. ऐसा नहीं कि कोई और गेम नहीं खेलता. He has the game pass. He plays the games. But cyberpunk was this one. चाहिए चाहिए. And turns out well. The whole problem with this is कि भाई गेम अच्छी है. गेम जैसी दिखाई थी उन्होंने वैसी ही है. Bug. और एक दो महीने में बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी उन्होंने प्रॉमिस की थी, क्योंकि अपडेट आता है, अपडेट के ऊपर फिक्स करते हैं, पैचेस वगैरह आते हैं. बट अगर मेरे को एक दो महीने रुकना होता तो मैं सीरीज एक्स लेके नहीं खेल लेता. खेल लेता ना, मतलब पॉइंट है, खेल लेता मैं. ये पहले बता देते हमें. ट्रू. एंड आई एम द काइंड ऑफ गाय जिसने प्री ऑर्डर भी नहीं करी, क्योंकि अभी तक नहीं नहीं कोई भी गेम प्री ऑर्डर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ना गेम कभी कभी प्रॉमिस नहीं निकलती. आई थिंक कंसोल भी नहीं लेना चाहिए गेम के लिए फिर. आई डोंट नो मैं क्या सोच रहा था कि प्री ऑर्डर नहीं करूंगा, पर ना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ सिर्फ उस गेम के लिए. He is not really good with investments. हाँ, क्योंकि भाई हमने YouTube पढ़ा, मैथ नहीं पढ़ी. यही बात, यही मैं बता रहा हूँ ना, ये दिक्कत आ गई बहुत बड़ी जिंदगी. He is a BBA graduate, just in case you forgot. मैं कल रात को रिव्यूज देख रहा था. रिव्यूज, I have watched so many videos. Why am I even saying this to him? I'm a BTech graduate. मेरा लैपटॉप खराब हो जाए मेरी फट जाती है. लाइक क्या करना है. होप करते कि यूट्यूब चल जाए, ये देख के कर लेंगे कुछ. अगर यूट्यूब नहीं चला देन वी आर एम, वी आर डन. ओह माय लॉर्ड. कुछ भी हो जाता है मेरे घर में, फर्स्ट इज यूट्यूब चल जाए, क्योंकि वो स्टडी कर रखा है मैंने पूरा. ठीक है, वो मुझे आता है और वहां से बाकी चीजों का सोल्यूशन निकलता है. हाँ. तो कल रात को भी प्रॉब्लम आई. मैंने सारे रिव्यू देख डाले. मैंने कहा अगर एक बंदे ने भी बोल दिया ना कि मेरे में दिक्कत नहीं आई, मैं खरीदूंगा आज ही, अभी गेम खरीदूंगा. मैं अगर एक बंदे ने बोल दिया कि मेरा बिना बग के चल गया, तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ वो सारे 500 की गलत थी गेम. ये बंदा भाई है मेरा एक्चुअली, और इसका करेंगे. हेलो, नहीं चल रही साइबरपंक, नहीं चल रही है किसी के में, नहीं चल रही है. अभी अभी न्यूज आई, आखिरी बंदे ने रिव्यू डाल दिया है, नहीं चल रही, बग है ब्रो, बग बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत है यार. हम जाएंगे यार. तेरी कोई ऐसी गेम है जो तुमको पता है तेरी गेम, बट नॉट जो तेरे पास है, क्योंकि तू उसका नाम लेगा जो मैं खेलता हूँ लेकिन मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग गेम है. आई एम नॉट गोना नेम इट, ही विल डेफिनेटली नेम इट, बट कोई ऐसी गेम जो तू देखो बहुत टाइम से पसंद है, देखो है कि भाई वो चीज मुझे चाहिए खेलनी है एक बार. ऐसी कोई गेम या तूने खेल रखी हो बट देखो याद हो कि भाई इसके लिए मैं ऐसा हुआ था कि ये गेम तो भाई चाहिए ही चाहिए. Splinter Cell. Fair enough. 2013, I really want them to actually get a new game. कि Splinter Cell 2013 में आई थी last. उसके बाद Ghost Recon में आ चुका Splinter Cell का character Sam Fisher. Ghost Recon. I think नहीं Breakpoint में नहीं था. Ghost Recon में. Ghost Recon में आया. किसी एक में आया था इनमें से. Siege में आ चुका है. हाँ. And I think Division में भी आ चुका है. Division 2 में आ चुका. नहीं Division 2 में नहीं. There was some other game उसमें. नहीं Division 1 में उसका outfit आया था. मतलब Oh my God. I downloaded it. एक राउंड खेला मैंने. डिलीट. I think वैसे नहीं खेला. Instant regret हुआ मुझे डाउनलोड करने का. And उसका इतना अच्छा उन्होंने ट्रेलर दिखाया था that Sam Fisher is just running like you know I want an EMP deployed right now. And I'm like EMP. So just in case you don't know Ubisoft references, EMP is used by another favorite character of mine, जो है Mike Baker, and that is Thatcher. जो Siege के अंदर Thatcher है. दो मिनट रुक जा भाई, मैंने कहा था नाम लेगा गेम का, इससे रुका नहीं जाता है. सीज का नाम. एंड आल्सो नाउ दैट आई हैव प्रूवन माय सेल्फ दैट आई प्रेडिक्ट राइट थिंग्स, लोगन पॉल विल लूज एट द एंड. लाइक एंड सब्सक्राइब. सो आई वाज सो एक्साइटेड कि यू नो देयर विल बी सो मेनी कैरेक्टर्स, एंड द ओनली डिसअपॉइंटमेंट दैट आई हैव इज आई वांट अनदर स्प्लिंटर सेल गेम. प्लीज इफ समबडी इज वाचिंग दिस एंड हैव अ ट्विटर अकाउंट, जस्ट ट्वीट देम, जस्ट गो क्रेजी ऑन रेडिट इफ यू कैन, क्योंकि स्प्लिंटर सेल
लास्ट 2013 में आई थी एंड आई वॉन्ट अ न्यू गेम. वी वॉन्ट अ न्यू गेम. देयर आर सो मेनी फैंस. इट्स नॉट जस्ट मी. हाँ, इट्स लाइक मैंने आई थिंक दो खेली हैं, कन्विक्शन और ब्लैकलिस्ट. एंड आई थ्योरी. कॉस्ट थ्योरी. क्योस थ्योरी में तेरे घर खेली है. मैंने पूरी नहीं खेली, लेकिन तूने पूरी एंड की थी आई गेस. कॉस्ट थ्योरी. कन्विक्शन तूने खेली थी. कन्विक्शन मैंने पूरी खत्म की थी. आई रिमेंबर. एंड ब्लैकलिस्ट आई थिंक मैंने क्योस थ्योरी बाद में करी थी. कन्विक्शन मेरे को पहले मिली थी, तो आई रिविजिटेड कि भाई पहले क्या आया हुआ इसके. कन्विक्शन वाज माय, आई रिमेंबर कन्विक्शन वाज माय फर्स्ट गेम आई प्लेड ऑफ सैम फिशर एंड आई वाज लाइक दिस इज कर रहा है ये जेम्स बॉन्ड. Actually, हम छोटे थे यार, सब जो बंदा गन लेके डिवाइस यूज करता था जेम्स बॉन्ड हो जाता था. एंड आई थिंक ये चीज ना इकलौते हमारी नहीं है. देयर आर सो मेनी पीपल हु फील द सेम अबाउट सैम फिशर. वो कैरेक्टर ही ऐसा है. बहुत तगड़ा एक टॉपिक ऐसे निकल रहा है ना अंदर से. मैंने भी बोला जेम्स बॉन्ड राइट, एंड आई रियलाइज्ड भाई नए बच्चों को जेम्स बॉन्ड नहीं पता कौन है. आफ्टर 2000 बच्चे गलत पैदा हुए हैं, डिफेक्टिव पैदा हुए हैं भाई. दे हैव नथिंग. उसको मैं ना गेम खेल रहा था, नीड फॉर स्पीड टाइप कुछ पुरानी, मोस्ट वांटेड या कुछ, और उसमें ना ऐसे डीएलसी टाइप होता है ना, तो वो था जेम्स बॉन्ड की कार होती है जो. एंड आई वाज लाइक ओ दिस इज द कूल स्टफ. और मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे आए थे पड़ोसी के. एंड वी वर प्लेइंग एंड आई सेड भाई ये क्या कूल करके. तो ये नहीं कोई और लो ना अच्छी वाली. मैंने कहा जेम्स फकिंग बॉन्ड. इसने बोला अच्छी वाली. अच्छी वाली इससे अच्छी नहीं आती दुनिया में भाई. जेम्स बॉन्ड बदल गए, गाड़ी नहीं बदली है, इतनी अच्छी गाड़ी है. तुम क्या तुमको पता है जेम्स बॉन्ड कौन है? नहीं बोले नहीं भैया नहीं पता है. क्या दरवाजा उधर है, चले जाओ निकल जाओ पहली फुर्सत. बिकॉज जेम्स बॉन्ड तो अल्टीमेट वो था ना यार कि ही स्टार्टेड दिस होल गैजेट एंड कूल लाइक he started this effortless killing type thing ki we're putting like even his gun is good. It doesn't even go pow pow. It's a character sword. Even my father likes it. See, my father is 60 years old. Everybody loves James Bond and kids don't even know about him. Like what the millennials nahi kya gen z sorry gen z oh my god millennials to hum ho sorry hum ho hum cool hum we are the cool ones guys. Cool ones, yeah. Subscribe just yeah. Subscribe cool ones please. Gen Z, we are ashamed. At least. Yeah, इनको बस TikTok चला दो. My God, I swear to God, man, it triggers the fuck. Chill. Yeah, man, it triggers me. Oh Lord. काफी लोग trigger होने वाले. Just with this one comment, I'm not going to talk about it. Okay. बातचीत EP 1. हाँ. काफी लोग triggered. Done. एक sentence में people are going crazy. We are cancelled. Okay. Thank you very much. No more बातचीत. Pin drop silence in the classroom. Everybody, ऐसे टीचरें आ जाएंगे घर में हमारे. Oh Lord. Now the this topic you will love, my friend. So कल रात को मैं बैठा था, जैसे कि लोग बैठते हैं, ऐसे ही बैठा था, मतलब हाथ में मेरे था क्या फोन, और मैं देख रहा था क्या करना है. अरे ऐसे बैठ के थोड़ी था, तो फिर मैं वो यूज कर रहा था, फोन यूज कर रहा था. एंड आई वाज लाइक क्या है, कुछ नया आया क्या? तो आई गॉट अ न्यूज. Have you heard about this crazy character, Spider-Man? मतलब दो movies आ गई हैं, नई वाली. तो उसकी third movie आ रही है. तो उसमें ना ऐसे बात चल रही है. I think I know what you're talking about. उसमें Doctor Octopus जो था ना. हाँ. वो actor is coming back for third Spider-Man Marvel movie as Doctor Octopus. Oh, the news didn't end here. This was a comma, not a full stop. उसके बाद था. Toby है ना. हाँ Toby and हाँ and the other one Andrew Garfield. हाँ the Facebook guy and those two are coming back as their own Spider-Man. और previous news थी कि Doctor Strange तो है ही इसके mix में कहीं multiverse and Sinister Six होने का chance है पूरा पूरा. What do you think about it? What do you think about Spider-Man having this many, like a child's dream kind of thing? Yo, hello. So, you needed this. We are the Marvel. We gonna provide for you. You thought. You were kidding. End game was the end. No. No. This is a new beginning. Yeah. Kya feel hai? So. And this topic just makes me happy. This is actually crazy. Normally, usually kya hota hai? Jab aisi koi news aati hai na Marvel related ya
I send him like, bro, क्या हो गया? Bro, क्या? Oh, bro. But I'm like, no, wait, podcast पे करेंगे. So, continue. Okay, so two things. सबसे पहले तो आप क्रोनोलॉजी समझिए. Spider-Man Homecoming, the very first one, started off with just a few characters. कि हाँ, हम ज़्यादा expand नहीं कर रहे. We are just expanding it to Spider-Man, Tony. ठीक है. Basic stuff. ठीक है. Vulture was a good addition, definitely. Michael Keaton as Vulture. I think first Spider-Man Marvel is still one of my favorite because of one scene in it. क्योंकि उसमें जो वो गाड़ी वाला scene है ना, that is the ultimate. And not even that, I think that is my second favorite scene. The first favorite scene is when he opens the door and it's Michael Keaton and I'm like, and let me, bro, हम लोग ने कितना Marvel देखा है हमने. We predict Marvel. Yeah. Better than we predict Logan Paul, but I'm right on that, subscribe. But the point is, we predict Marvel and we are mostly right. 90% of time. He is, मैं ज़्यादा नहीं. हाँ, मैं करता हूँ ये सुनता है. This is, why do you think this podcast is? This podcast is ताकि मैं बोल सकूँ. इतनी तो मैंने सीखी नहीं और इतना मैं बोलता नहीं. मैं थोड़ी मोटी मोटी बोलता हूँ. नो फैट सेमिंग इंग्लिश बट स्टिल नॉट फैट सेमिंग इंग्लिश लाइक मोटी मोटी इंग्लिश बोलते हैं हम. हिंदी में बोल रहा हूँ ये. हिंदी वाला मोटा मोटा है. तो क्या बोल रहा था मैं, दैट लाइक आई वाज इन द मूवी एंड आई प्रिडिक्ट एवरीथिंग. अच्छा ये होगा, ये होगा, क्योंकि आई हैव सीन द ट्रेलर, आई नो क्या होगा, मुझे सब पता है. तेरे भाई को सब पता है. पर जब वो हुआ ना, आई वाज लाइक, इट वाज लाइक मेरा दिल ऐसे था, निकल गया था बाहर. वैसी भी ला रही थी मुझे, वैसे बैठा हुआ था लाइक, ये क्या हुआ है, ये क्या किया इन्होंने, भैया साइड पे तो बैठे हैं, क्या चल रहा है ये, ये मार्वल है, स्पाइडरमैन चल रही है, क्या कर रहे हैं इन्होंने. सो दो चीजें, सबसे पहले तो आप क्रोनोलॉजी समझिए. हाँ भाई, ठीक है. क्रोनोलॉजी में क्या है कि सबसे पहले ये स्पाइडरमैन होमकमिंग, ठीक है, छोटी छोटी दे वर लाइक मिनिमल कैरेक्टर्स जो ऑलरेडी मार्वल में इंट्रोड्यूस्ड हैं ऑब्वियसली. और ज्यादा अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दे वोंट बी अ बिग लॉस, या यू नो पीपल वोंट गेट क्रेजी अबाउट इट, इवन दो दे स्टिल डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, व्हिच इज गुड एक्चुअली. स्पाइडरमैन 2 फार फ्रॉम होम वो नाम नहीं याद आ रहा था. आई नो. सो फार फ्रॉम होम अगेन, a lot of different characters, Mysterio wise, you know, a lot of different stuff that putting up together. Aur uske baad ending was still best ending ever, actually, of any Spider-Man movie, of any movie in Marvel, I think. Yeah, I think. No, actually, Endgame ne na sari movies ke liye kharab kar diya. I think, but Infinity War and Endgame both of them, they are like very they're up there. They're here. तो yeah. उसके नीचे ही है सब, लेकिन हाँ, it's a good ending for a solo movie. Lovely ending. हाँ. So, yeah. I think last time this happened was when Iron Man said, I'm Iron Man. That was a great ending. Yeah. In the first Iron Man movie, I'm talking about. Not Endgame. Because it was the beginning. Spoiler like, alert. I'm sorry. If you haven't watched it, man. Why are you watching us? You should watch some older guy doing a podcast because that's what it is. Because it's 2020, man. Just watch it. So, dekh lo, yaar. Matlab, tum jaake movie dekho, yaar. Pehle, matlab, tum podcast dekh rahe ho. Tum ho kaun? Tumne Endgame nahi dekhi ab tak. Just saying, if you really want to continue our streak of baatcheets, इस बातचीत को करने के लिए तुम्हें पहले एंड गेम तो देखनी पड़ेगी. Guaranteed. And if you haven't watched any Marvel movie, go watch Endgame. I just want you confused. Okay, go. Okay. So, अब वो लोग चले गए हैं, lame लोग. Okay, lame लोग चले गए हैं, तो अब हम बात करते हैं. बोल दिया. So, second thing that the chronology wise जो भी third उस पे जा रहे Spider-Man 3 पे, I really think it's a very big difference. मतलब देखा जाए तो the way they are increasing, it's like an exponential difference. भाई अब तो कुछ होगा तो next level जाएगा. Yeah. But after Endgame and Infinity War, what else do you expect? Like, मतलब as a viewer, if you go and watch Endgame, if you go and watch Infinity War, दोनों जाके देखने के बाद, there's still a lot of other movies as well in between. ठीक है, Spider-Man और Endgame के बीच में obviously. And now TV series, TV web series as well. So, excited. So, the point is ki
इवन इफ दे आर गोइंग कम्प्लीटली हाई एंड हाँ भाई पूरा एक्सपेरिमेंट करना है हमने तो अपनी मूवी के साथ छोटा मोटे काम नहीं चलो छोटे मोटे काम नहीं दैट इज गोइंग टू बी द थिंग कि यहाँ दे आर इंट्रोड्यूसिंग दिस कैरेक्टर्स बैक और इतने टाइम से जोक चलते आ रहे हैं यार इनके कि यार वो टोबी मैकग्वायर वाला ज्यादा अच्छा था एंड्रयू गारफील्ड वाला ज्यादा सही था आई डोंट केयर सच बताऊं आई रियली वुड लाइक ऑल थ्री ऑफ देम एंड दे वर लाइक दे वर प्लेस्ड इन द राइट ऑर्डर मतलब द फर्स्ट इन माई चाइल्ड हुड टोबी मैकग्वायर देयर हमें वो चीज चाहिए थी उस पॉइंट बिकॉज द सिनेमा सिनेमैटिक्स ऑफ मार्वल और लेट्स से कॉमिक बुक सिनेमैटिक्स इतने उस टाइम पे वो नहीं थे तो उस टाइम पे वो ही चीज बहुत बढ़िया थी वो चीज बहुत ज्यादा बढ़िया थी एंड्रयू गारफील्ड अ लिटिल अंडररेटेड ऑनेस्टली बट इवन दैट वाज रियली गुड ब्रिलियंट सेकंड मूवी ब्रिलियंट फकिंग ब्रिलियंट नाउ इट्स टाइम फॉर हमारे छोटे स्टेप अप या इट्स टाइम फॉर स्टेप अप अपने छोटे भाई की बारी है क्या नाम है उसका टॉम हॉलैंड आई एम सॉरी दे आर ऑल पीटर पार्कर फॉर मी बट स्टिल ओके लाइक आई एक्चुअली फॉरगेट द नेम्स आई एम सॉरी आई एम नॉट गुड विद नेम्स टॉम हॉलैंड At this point, when in getting introduced into the Marvel Cinematic Universe, बहुत सही है इसके लिए because this is what they actually want कि हाँ this is the generation that likes watching this type of Marvel and yeah. I consider myself too I'm a fucking 22 year old ठीक है you can consider me as a 16 year old kid while watching Marvel I'll get the same level of excitement I was crying in theater yeah I was with him okay I was holding his hand and I was crying like It was weird, okay? It was weird. Hmm. But I don't mind that. I own it. It was amazing. I fucking loved it. And I still love it till date. I said proudly, ki bhai aisa hua tha, kyunki bhai hua tha, bhai. Maja aa gaya tha, movie kya? Mwah. It's like... At least, iske baad na, wo free fund ka comparison khatam ho jayega. Haan, yaar. Ye Tobey Maguire achha tha, Andrew Garfield. Tumhe saare chahiye na. Ye lo. Have you it. Like them? Haan, dekh lo ye movie. You are baar baar dekho and please watch it multiple times. Thank you very much. Thank you. So basically what he was saying, jo bhai tumhe ko bahut mast laga, jo main bolne wala tha. Hmm. Actually main nahi bolne wala tha, but abhi aa gaya to main bol deta hu ki bhai dekh, seedhi baat. Hmm. Wo aaya pehle hamara. Haan. He was good Peter Parker. I never liked him as Peter Parker. Hmm. Even bachpan mein, I always found him a little uncle type. Yeah. Even in that. जब मैं छोटा था तब भी बट आई लव स्पाइडरमैन आई नेवर लुक लाइक ही इज अ यंग कैरेक्टर उस पॉइंट हां बट नॉट ओनली दैट ये मुझे नहीं पता था छोटे होते कि भाई क्योंकि आई एम नॉट अ कॉमिक बुक फैन ओके आई एम अ मूवी टाइप ऑफ गाय आई लव मूवीज आई फॉलोड कॉमिक बुक्स आफ्टर आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्पाइडरमैन इन मूवीज बट इवन इन मूवीज फॉर माई एज मैं कितने साल का हूँ छोटा सा ही था यार मतलब पापा से जाते थे मूवी देखने तो वो मेरे को अंकल लगता था बट When the mask is down, when he's Spider-Man. Actually, For me, he's Spider-Man, I don't give a fuck. Yeah. Amazing movies, great, kya bolte hain, villains. True. Andrew Garfield, crazy. I think, I found it more dramatized and I love that kind of stuff. Kyunki mujhe pasand hai, yaar dekh to liya action, spontaneous Spider-Man. It was actually nice to see something like a soap opera type. I loved that. I loved ki bhai wo It was more about a relationship. It was more about how he felt being a Spider-Man. Hmm. And many people are saying, oh, ye to kya thali ka bangan? It's like, bana, hat gaya. And like, he's a kid. He can do that. Yeah. I don't know why people don't get it. Ki they are supposed to be kids when they are playing Spider-Man, Peter Parker. And kids don't make great judgments, okay? Hmm. That's why I like Tom Holland the best he looks the part plus he has Tony Stark kind of and Happy Hogan to guide him to be like ki so he doesn't make those stupid mistakes of Andrew Garfield Spider-Man you know it's kind of like that when you see Marvel you see oh they have the ability to get Tony Stark so they are doing no they're not cash grabbing I don't think Marvel is cash grabbing if they want to cash grab they will make another Avengers they didn't they're taking their time they want their characters to be filled when people were like oh Aunt May is so cool with him being Spider-Man I was like bro because he needs those elder people to guide him to be a better Spider-Man actually he's not just a Peter Parker Spider-Man cool yeah you can watch that in an animated show please watch it they're great shows I watch it but in Marvel He has to fight alongside Captain America, Black Widow. I'm so sorry, my group.
But Hulk, okay, now Professor Hulk, he's more mature, he's more sensible. And has a less, one less arm. हाँ, but Warhammer नाम है? Warhammer? नहीं, क्या है? क्या? Iron Man का. War Machine. War Machine, Ant-Man, and all these guys are older guys. Mm-hmm. He's... And I think, yeah, actually a good point. Like, he needs people behind him who, क्योंकि, yes, having... क्या नाम है उसका दोस्त का? Ned. So Ned, basically, yes, he is a good support and but he's also a kid. He's also a kid. They will make mistakes. We need supporting characters. That's one of the biggest thing about Spider-Man in Marvel is when you see the first one in the end, Tony doesn't trust him because he made mistakes. But when he has to prove himself, he has to make sure that he does the right thing and doesn't make mistakes. That's what makes a good Spider-Man. Not someone who's flying around kicking ass and be cracking jokes. Jaise Andrew wala kar raha tha. I know that was childish and he didn't have any guidance. Because he was a superhero. With no guidance. He was still figuring it out. Still figuring it out. And that was going with his character. I think people say nahi ja raha tha. Yes. Comic book Peter Parker hisab se nahi ja raha tha. But if you see in that movie, it goes with the character. So, with that done, I think Tom Holland the best one. Now, what I was saying ki, Tom Holland mein, we are experiencing his high school, right? If we go opposite, like, we go from newest to oldest, Spider-Man's comic book history is, he is in high school, wagera, wagera, wagera. Then he makes a girlfriend, that is Gwen Stacy. Yeah. We came up to Andrew Garfield. Gwen Stacy dies. Then he meet this other girl, Mary Jane. They marry. He's the love of his life. She's a reporter and everything like that. That is happening, but in reverse order. Because first we got Mary Jane. Then we got... Gwen Stacy, who died. So if we go, Tom Holland is the youngest looking actor. Yeah. He grows up. He's a little older. He's Andrew Garfield now. Yeah. He has Gwen Stacy. Oh my God, she dies at the end of the series. Okay, he grows up a little more. He looks a little older. He's doing his job as a photographer. He's getting paid from Daily Bugle. Yeah. And he meets this girl who's Mary Jane, who's love of his life, and he'll do anything for her. So this is a prediction? It's not a prediction. It's just a beautiful coincidence. Speculation. No, it's a coincidence. Ki, okay. If you look at it, ki, kya kar rahe hai, it looks weird. But when you see it, aise you see, okay, they are not doing it for that. But as chronology. A fan, chronology samjhiye aap. Hai na? Basically that. Bota bhai, chronology samjhiye na. But coming back to third Spider-Man, Home 3, I don't know, Home Alone, I don't care. Like, Home Blast, boom, I don't care. Yeah. The name, Home something. So, the thing, I'm scared for Marvel for the first time, because... I believe in Marvel. भाई वो कर लेंगे, उनके बस का है, वो खार सकते हैं. लेकिन tell me honestly, if you जैसे अभी मैंने chronology समझा दी सारी. Now let's revisit and see history. देखो मैंने BBA करी है और मुझे इतना तो पता है planning में क्या करते हैं हम. Planning process क्या होता है? हम ना पुराना देखते हैं कि क्या है. We analyze the statistics and then we go ahead make a new plan ताकि हम पुरानी वाली गलतियां ना दोहराएं. Spider-Man 1, Tobey Maguire. We are pronouncing it wrong, but it's okay. Yeah, chalta hai bhai. Baatcheet hai yaar. So, theek hai. First movie, great movie. Amazing fucking movie. Second movie, beautiful movie. Oh my God. Third movie, flops. Why? Bahut zyada log hai yaar. Matlab itne sare villain. And it was very confusing ki kaun kya kar raha hai. And I was like, oh my God. True, then, they were like, oh, we need to reboot him, man. We need to reboot him because we need a new fresh start. So, we need a Thanos here. Haan. Can he just snap the guy out of existence? Then came Andrew Garfield. He was like, okay, a fresh start. Uncle dies again. Happens. First movie was actually well received. It wasn't like a hate train. Second movie gets the hate because bahut zyada drama tha. दो विलन थे बट दो विलन को भी उन्होंने फ्लैश आउट नहीं किया. दे वर लाइक अरे हैं और उन्होंने कहा चलो लड़ो और वो लड़ रहा था. फिर वो अपने पापा के उस पे भी चला गया. दे वर दैट्स व्हाई आई फेल्ट इट वाज वेरी अंडररेटेड. हां क्योंकि देयर वर सो मेनी स्टोरी लाइंस एंड लिमिटेड टाइम टू एक्सपैंड ऑन इट. ट्रू. फकिंग हिस्ट्री स्केयर्स मी क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. एंड स्पाइडरमैन फर्स्ट मूवी ब्यूटीफुल. टोनी स्टार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन.
सेकेंड मूवी ग्रेट विलन, ग्रेट ग्रेट लाइक इट्स फन लाइक वेकेशन मूवी काइंड ऑफ विद सुपर हीरो ट्विस्ट. थर्ड मूवी दे आर एडिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स, दे आर एडिंग मल्टीपल पीपल एंड मल्टीपल कैरेक्टर. हाउ आर यू गोना एक्सपैंड ऑन इट, हाउ आर यू गोना. एंड आई नो मार्वल कर सकती है बट हिस्ट्री डज रिपीट इटसेल्फ एंड व्हाट इफ दे जस्ट एंड अप रीबूटिंग आफ्टर द थर्ड वन बिकॉज इट इज received bad, also received bad because coming back to Marvel, you remember मैं तेरे को क्या कहा था? Endgame जैसी खत्म हुई हम बाहर आए, we were walking क्योंकि ना थोड़ा से moment of silence के बाद सारी श्रद्धांजलियां देने के बाद I told him मेरा हो गया यार Marvel से. Infinity War we walked outside. We were dead inside. पूरा रास्ता we needed an Endgame to like क्या बोलते हैं उसे to get closure. Yeah. But the problem with that is with Endgame we actually a year later got that closure. हम बड़े हुए हैं Marvel के साथ. हम छोटे थे, Iron Man आया था, oh so cool I'm Iron Man. Ladies. उधर opposite में Batman था कि मैं निपटूंगा, मैं कौन हूँ, this guy is like I'm Iron Man bitch. Ooh. Yeah. Ooh. I'm a dance. So yeah, that was happening. So. So we हम बड़े हुए हैं और आयरन मैन भी बड़ा हुआ है, as we all know how his character grew with us with time. तो after end game मैं बोला भाई मेरा हो गया, now I know कि अब आगे की movies are for the future kids, क्योंकि Marvel will not focus on me to come back and pay for it, we will eventually come but they will focus on those kids जो अपने parents को भी लाएंगे, खुद भी आएंगे, दोस्तों को भी लाएंगे, that's how business work and I get it, it's beautiful, I love it. Marvel wins and by the way really good ending to the main characters. Haan, but jo ending chahiye thi, haan, they both deserved it. But that's the Iron point. Man they ended Captain that saga there. Hmm. Now they're starting off as Spider-Man and with that many characters in it. Yeah. It's a risk. There's a risk ki maybe new kids won't just hop in to see 700 characters. Kyunki they didn't hop in to watch 700 characters in Amazing Spider-Man 2. They didn't hop in Spider-Man 3, which was like an OG beloved series, right? And we might not hop in ki like yaar hamara ho gaya, we got our closure, hamare favorite character, like my favorite character since childhood, two favorite characters, Flash in DC and Spider-Man in Marvel. Those two are my favorite ever, I won't change it. Chahe kuch bhi ho jaye, Iron Man is good, I love him, he's like love of my life, but still Spider-Man and Flash. But still I feel like ki mera ho gaya. I felt that mera ho gaya. True. So it's risky ki maybe people won't turn up, especially now that COVID and all is happening, theaters will be like a little people weird, thoda scared. Jaise hota hai na ghar mein kisi rishtedar ka scooter se accident hota hai, tumhari teen peediyan scooter nahi khareedti. Happens. Hai na? Happened with both of us. तो नहीं लेते हैं एंड ये होता है कि यार हो गया ना अब ठीक है, हिस्ट्री काइंड ऑफ रिपीट्स इटसेल्फ. ट्रू. सो दैट इज व्हाट आई एम स्केयर्ड. आई रेड दिस हेडलाइन, दैट वाज द फर्स्ट थिंग इन माय हेड कि फक दे आर एडिंग टू मेनी पीपल इन इट. बट द पॉइंट इज इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, क्योंकि दीज आर जस्ट द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स. नाउ देयर हैज टू बी सिनिस्टर 6 टू फाइट अगेंस्ट दोज आर 6 विलन्स. वी नो two of them very nicely, Mysterio and Vulture we know very nicely. All the other ones we don't know them yet. So what I think do cheezo pe sabse zyada focus hona chahiye is cheez ka. Sabse pehla ki how the multiverse things turns out to be in Doctor Strange Multiverse of Madness. Secondly, going forward, what's the duration kitni hai is movie ki? Spider-Man 3. How many jam-packed characters are you putting inside a movie for how long? Is it really interesting for kids? There's so many questions. Also, kyunki which are going to eventually answer it. Even with Mysterio bolne wala tha, wo to WWE tha. Okay, wo to Rey Mysterio. Rey Mysterio. Okay. Bachpan. Nahi, but with Mysterio also, we had 4 type of villain and they were like fighting, but then they didn't have any backstory. They were just visual effects. They were there to fight. Khatam. Mysterio was the main focus. With Sinister Six, what do you do? You can't like not do justice to Sinister Six. People will be mad. You can't put
a lot of time on 66 where people will mad. Arey yaar, ye dono ka cameo hua. You didn't give them time. There was Spider-Man coming together. Like, they will not be happy if you don't make a 6-hour movie. I'm sorry. Like, yeah. Make a 2-part movie. I don't care. Actually. Yeah. Sounds justified. Huh. Honestly. There was this rumor ki Captain Marvel hogi pehle, hai na? There was this rumor ki Captain Marvel will be the side character. Just FYI, I don't like the character. Haan, I don't like the character kyunki I think they need to make a better movie on it. Hmm. And that's what I'm saying. It's not like Marvel has not got flagged for making bad movies. Hmm. I'm just scared that I don't want that to happen to my Spider-Man. True. Because they have made mistakes. They're human. They make mistakes. Sometimes they don't see what's happening. Hmm. They get the backlash. And Spider-Man has happened two times. I'm scared. So we don't want that to happen. Because creators, I see why this happens. Because Spider-Man is such a vast character that you can do it. And when something is teasing you, na, he's like, oh, you're teasing me, you naughty, naughty. Like, all the characters of Spider-Man are teasing Kevin Feige and all the, like, karte hai, bro, karte hai. We are all here, we are in the jail. Karte hai, bro, karte hai. We are there in your inventory. Haan, log ko pata hai, log dekh lenge. Sony ne bhi to nikali na movie, dekh li, logon ne dekh li. Thoda sa experiment. Animated movie. Chill. Thoda sa experiment. Haan. Now the first Spider-Man ka jo main director tha, he is also directing this one. The Spider-Man 1, 2, 3 ka tha. So he will also have that temptation ki jo main 4 mein banana chahta tha, main nahi Sinister 6 bana paya, and he will be doing something. Yeah. And like, let's not. I think let's calm down everybody, please. Yeah, I love Spider-Man. Yeah. Let me keep loving him. Yeah. I don't want a reboot. Please. Because Venom is also happening in Sonyverse, and then there was this trailer, kya tha? Morbius, jisme Spider-Man ke piche poster the, and Vulture ka cameo tha, and I was like, guys, kahan ja rahe ho? Aisa karte hain, ek na, ek ek glass Glucon-D peete hain, aur baithte hain 2 minute. Yeah, shanti se. Chill karte hain, 2 minute. Get your energy up, but get your thoughts down. Haan, like, wait jo. Wait jo, because you are all thinking from here. Yeah. Come up here, please. I know it's very like. Itna tempting hai na Marvel. I am so getting tempting. Excited. So I was thinking. So this podcast will Sinister be Six? Entirely Marvel. Sinister Six. Yeah. Sticking it to Spider-Man. Sinister Six. Hmm. Tino Spider-Man. Ye nahi hoga, but I love to fantasize about it. Theek hai? Dr. Strange. And they. And. वह पिट रहा है हमारा पीट असली वाला छोटा टॉम हॉलैंड पिट रहा है कल्ला एंड जैसे कॉमिक्स में था ना उसका डेथ सीन व्हेन दे ऑल ऑलमोस्ट किल हिम एंड इट्स लाइक ओह माय गॉड एंड दैट्स व्हेन दोस टू कम इन क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रिंग्स देम टू सेव हिम काइंड ऑफ टू ब्रिंग हिज टीम अप एंड ही गेट्स अप एंड नाउ डॉक्टर स्ट्रेंज is opening portals around Sinister Six ke each character and these guys are swinging from each other's portal like boom, boom, boom. And I want that. Now I want that. But don't do it. Agar tumhari achhi movie nahi ban rahi hai, cancel it. Scrape it. Do it again. Get a new idea. Do not release it. Agar maja nahi aaya dekhne mein toh. Yeah, true. Like, oh my god. I want this. And imagine all this happened. The whole fight scene happened. And we think Spider-Man 1 and they are standing over Sinister Six gire mein. Side mein 2 hai. Peeche Dr. Strange se ud raha hai. Tino Spider-Man se hero ki tarah khade hai. Life shut down. It's only him. It was all Mysterio. Just playing with Peter. Oh! Because Mysterio is one hell of a character. Kevin Feige, if you see this. Please, consider. Bula lo, man. But the worst idea. Many ideas, but must. Like, I'll give you scene-specific ideas. Aisa karte hai. Aur phir se khel jaate hai inke saath. मत बनाना अगर अच्छी नहीं बनती तो प्लीज मैं फिर भी देखूंगा बट थोड़ा ध्यान और एक ना एक चीज बहुत कंटिन्यूएशन में है थ्रू आउट द एंटायर कॉमिक बुक सीरीज दैट मेनी पीपल वुड नॉट नो
is that jitne bhi magic wale characters hai na, jitne I'm talking about Doctor Strange in obviously Marvel, Doctor Fate, which is the DC equivalent, John Constantine, which is another DC equivalent in magic, not a lot of people know of. Try watching the animated series of DC, you'll know. All three characters have shown up in so many weird times where they actually just changed the entire script of it. I remember there was this one time when Dr. Fate came into Injustice. Injustice 2 or Injustice 1, I don't know which one it was. So Injustice, if you don't know, is another comic book series. Not getting so much stretched out, but these characters with magic, they have the entire ability to change a character's just... मतलब आसपास का पूरा उसका नजरिया चेंज कर देंगे वो. They can do it. This can happen too. But if that Mysterio thing happens, let's say something to do with Mysterio, I think Mysterio is going to be the most interesting character of them all. Imagine Mysterio being Doctor Strange, because he is kind of inspired from it. You see his in his tricks also. He uses Doctor Strange's that things. Yeah. So maybe he, like for in first he was trying to be Tony Stark to Spider-Man. Maybe in this, he tries to be Stephen Strange to Spider-Man. Oh, I can handle this. Yeah. And then that way, he can hide his magic by being another magical being. Yeah. So nobody notices. And you know, he can hide his GFX by being a magical entity. Sorceress Prime. I was going to crack a joke. My mom is ganda laga, so I said, bahar to nikalenge nahi. Theek hai, okay. I'm just explaining my weird facial expression. I was going to say a joke, but I said, chhod rahe hain. And they're chani, chani, chani. So, yes, Marvel, so maybe I see feeling a movie next time. Chani, chani, mat dal, mat nikal. Scrap the idea. Scrap the idea. Hum wait kar lenge. Hum... We are hardcore fans, man. We still. Humne is saal koi Marvel movie nahi dekhi hai. Starting of, starting of this topic, we are done with Marvel. Ending of this topic, we are still waiting for you. We are done with you, but hum dekh rahe hai, theek hai? But not completely. Samajh jao, yaar. Samajh jao. There's a point of us. That gets us back there. हाँ वापसी उधर ही आ जाते हैं घूम फिर के लौट के बुद्ध करके हाँ it's like you what kind of movies I like thrillers and horror movies but with like I need deep movies that challenge my mindset what do you like also Spider-Man we love it why it's just pew 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 there was this one time I watched this really good movie and then I watched Spider-Man. Again, for the 900th time. Because I wanted to. Yeah, like, that's how my movie genre aise hi vary karta hai. Ya toh main bahut deep, aise, matlab, thought-provoking movies dekhe hota hun. Oh, Oscar winning, oh my god. Or I'm like, Spider-Man ko kyun nahi mil raha hai Oscar? Spider-Man ko Oscar do. Kya train se thuka wo itna pyara? Matlab, mereko laga tha ki usse nahi pata ki train aane wali. Like, par usse pata tha. Par usse nahi pata tha. Yeah. Oscar do. Yeah. Spider-Tingle. Ko wo jata hai. I think we are done with all the topics I had planned for today. Yeah. And I enjoyed it. So did I. So, I think hum idhar hi khatam karte hain. Aur